गैंगस्टर में वांछित 10-10 हज़ार के इनामी नाबालिग लड़की के साथ रेप कर वीडियो बनाकर उसे डराकर भागा कर ले जाने वाले मोटरसाइकिल तथा मोबाइल चोरी करने वाले अभियुक्तों तथा जिले के विभिन्न थानों में अपराध करने वाले 10 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए शलभ माथुर ने बताया कि गैंगस्टर में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जो अपने थाना क्षेत्र से हटकर दूसरे थाना क्षेत्र में रहते थे तथा आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते थे। पकड़े गए अभियुक्तों में 10-10 हज़ार रुपये के वांछित अपराधी सौरभ त्रिपाठी पुत्र स्वर्गीय चंद्र प्रकाश त्रिपाठी निवासी पुरदिलपुर थाना कोतवाली, अरविंद कुमार यादव निवासी रुस्तमपुर, भीमसेन सैनी पुत्र मौजनाथ सैनी निवासी हर्ष विहार हरिनगर नई दिल्ली, अभिषेक राय पुत्र सुंदर राय निवासी राम अवध नगर खोराबार, नागेंद्र गुप्ता पुत्र अनंत लाल गुप्ता निवासी जटेपुर कृष्णानगर प्राइवेट कॉलोनी थाना शाहपुर को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा पुलिस ने गोरखनाथ थाना क्षेत्र से 10-10 हज़ार के पुरस्कार घोषित अभियुक्त गोलू सहानी पुत्र जग नारायण सहानी निवासी शास्त्री नगर थाना चिलवाताल, अजय सोनकर पुत्र मुरलीधर सोनकर निवासी शास्त्री नगर थाना चिलवाताल बांसगांव थाना क्षेत्र से फयाज अली पुत्र अयूब अली निवासी सिहाइच पार थाना गघा, विरजा सहानी पुत्र लक्ष्मण सहानी निवासी मझगावा थाना गघा, चौरी चौरा थाना क्षेत्र के शिवम गुप्ता पुत्र श्रवण गुप्ता निवासी मुंडेरवा बाजार थाना चौरी चौरा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने बताया। ये कल रात्रि में वृहद स्तर के ऊपर से अभियान चलाया गया था, जो गैंगस्टर के वांछित हैं जनपद में अलग अलग जगह पे, और इसके अंदर बेसिकली इस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया कि एक थाना क्षेत्र का जो वांछित है जो दूसरे थाना क्षेत्र में निवास करता है उसको हम लोग कोऑर्डिनेट करके कार्रवाई करें, और इस कल स्पेसिफिकली गैंगस्टर एक्ट के जो वांछित हैं उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए ये 5 अभियुक्त हैं गैंगस्टर एक्ट के जिनको कि गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 3 जो हैं वो उनके ऊपर 2 के ऊपर इनाम भी है, और ये अलग अलग धाराओं में वांटेड थे। कुछ जो है गौ तस्करी के अंदर वांटेड हैं, कोई वाहन चोरी के अंदर जिन पे गैंगस्टर लगा था वो वांटेड हैं, कोई चोरी के अंदर वांटेड है, नकबजनी के अंदर वांटेड हैं, और पशु तस्करी के अंदर वांटेड हैं। ये अलग अलग थाना क्षेत्र हैं, शाहपुर बांसगांव और बेलीपार खोराबार, यहाँ से इनकी गिरफ्तारी की गई है, और आगे भी हम इसी तरीके से कोऑर्डिनेटेड वे में कार्रवाई करेंगे। शातिर अपराधी हैं, काफ़ियों का अच्छा आपराधिक इतिहास है, और आगे जो फर्दर विधिक कार्रवाई है और इनके शेष वांछित हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। सर अपना थाना क्षेत्र के दूसरे क्षेत्र में कोऑर्डिनेशन किया गया था, बेसिकली कोऑर्डिनेशन किया गया था कि एक थाने का SO उसको ये जानकारी नहीं कई बार हो पाती है कि दूसरे थाने का कौन सा शातिर अपराधी या वांछित उसके थाना क्षेत्र में निवास कर रहा है। इसके लिए पूर्व से तैयारी करा के उनको एक एक चीज़ को डिटेल करके ज्वाइंट टीम के साथ ही ऑपरेशन किया। कितने इनामी हैं जी? इसके अंदर 2 इनामी अपराधी हैं जो गैंगस्टर के अंदर इनामी हैं, और एक थाना डेलघाट का है जो लूट के अंदर अपराधी है, 392 का अपराधी है, उसको गिरफ्तार किया गया। लूट का अलग है, उसके ऊपर गैंगस्टर नहीं है। टोटल 6 छात्र अपराधी इसके अंदर गिरफ्तार किए गए।